those wonderful souls watching this video. Hi Fragrance Family, this is your own host Gaurav, and today from Splash Fragrances official channel, we are going to talk about top 5 summer fragrances from the House of Chanel. Bane rahiye is chote se break ke baad. Hi guys, thank you all for tuning into my channel. Before starting a video, let me tell you that we create fragrance related videos. So, agar aapko is context mein zara sa bhi interest hai, channel subscribe kar lijiye aur is video ko end tak dekhiye, because is fragrance topic mein hum log ne channel ke best seller summer fragrances ki baat ki hai, because is samay garmi bahut zyada pad rahi hai. So, without further ado, jo pehla fragrance of feature hai, that is none other than the famous Chanel Allure Homme Sport. Guys, ye 2004 ka launched classic masterpiece fragrance hai, jo aapka bahut hi badhiya sa सिट्रस लेडन फ्रेग्रेंस है, जिसमें आपको थोड़े से मरीन वाइब्स आते हैं, थोड़ा सा सॉल्टी वाइब्स आते हैं, थोड़ा सा वुडी है, थोड़ा सा वनीला है, थोड़ा सा टोंका है. दिस इज अ प्योर ब्लिस इन द बॉटल. गाइस, दिस फ्रेग्रेंस डेफिनेटली वॉरेंट्स अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन, बिकॉज इस फ्रेग्रेंस को बनाने में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मशक्कत हुई होगी. इस फ्रेग्रेंस की जो स्मेल है वो इतनी ज्यादा एंटाइसिंग है कि आप लगा लो इसको, आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, साथ में जो वेयर करता है वो परफ्यूम उसको भी बहुत ही बढ़िया स्टेट ऑफ यूफोरिया फील होता है. ये फ्रेग्रेंस का अगर मैं थोड़ा सा रिजेंबलेंस दूं तो मुझे जो स्मेल है नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, बट यस, मुझे थोड़ा सा वर्साचे पोर होम की स्मेल से थोड़ा सा ये एक सिमिलरिटी फील करा रही है. वर्साचे पोर होम एक सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंस है, वो बहुत ही ज्यादा सिट्रसी है, बट इसमें इन्होंने सिट्रसी नोट्स को मरी नोट्स के साथ में, सॉल्टी नोट्स के साथ में, थोड़ा सा वनीला के साथ में ब्लेंड करके एक बहुत ही बढ़िया ऑल ईयर राउंड टाइप का फ्रेग्रेंस बनाया है. बट दिस इज मोर ऑफ अ सिट्रस हैवी फ्रेग्रेंस, सो मुझे लगता है समर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा. 100 ml 150 ml के साइज में ये फ्रेग्रेंस आता है, और इसके जो मास्टर परफ्यूमर है वो जैक्स पोल्स है, जो काफी ज्यादा परफ्यूमर है. अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंसेस उन्होंने बनाए हैं, और इसके साथ भी उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और अभी टिल डेट ब्रदर एंड चैनल के बाद में एलोर होम स्पोर्ट इनका बेस्ट सेलर फ्रेग्रेंस है. सेकंड फ्रेग्रेंस ऑफ फीचर इज कॉल्ड एज प्लैटिनम इगोइस्ट. गाइस, प्लैटिनम इगोइस्ट वाज लॉन्च्ड इन 1998, बहुत साल हो चुके हैं इस फ्रेग्रेंस को, और इनके भी जो मास्टर परफ्यूमर है वो जैक्स पोल्ज है, एंड दिस इज बेसिकली बार्बर शॉप इन द बॉटल. गाइस, ये फ्रेग्रेंस एकदम बढ़िया से बार्बर शॉप कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है, जिसमें लैवेंडर का नोट बहुत ही बढ़िया से एम्प अप होकर आता है. इसको थोड़ा सा अगर हम लोग जॉनर की बात करें तो ये थोड़ा सा वुडी है, थोड़ा सा फ्लोरल है, थोड़ा सा मस्की है. इसमें आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टार्टिंग में नोट्स मिलते हैं, जैसे कि लैवेंडर है, रोजमेरी है, नेरोली का नोट है, पेटिग्रिया का है. मिडिल में आपको जेरेनियम मिलता है, क्लारी सेज मिलता है, और थोड़ा सा जैस्मिन मिलता है. बेस को उन्होंने ओरिएंटल दिया है, तो इस चक्कर में आपको ओकमॉस मिलता है, वेटिवर मिलता है, सिडार मिलता है, सैंडलवुड और एम्बर इन्फ्यूज्ड है. ये फ्रेग्रेंस ऐसा लगेगा कि आप अभी जस्ट शेव कर रहे हो. मुझे ये परफ्यूम पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है, एकदम फ्रेश है, सिट्रसी नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं है. इसमें जो लैवेंडर का ऑथेंटिक नोट है वो बहुत बढ़िया इसमें से आता है. ये लैवेंडर जो है इसमें रिलैक्सिंग का काम नहीं कर रही है. इसमें जो जनरली लैवेंडर का जो नोट होता है वो रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है परफ्यूमरी में, बट इसमें जो लैवेंडर है वो बहुत ही ज्यादा एम्प्ड अप है, और भी बढ़िया फ्लोरल नोट्स के साथ में बहुत बढ़िया सा एकदम हट के फ्रेग्रेंस की वाइब्स दे रही है. बहुत ज्यादा मच्योर है, और ये मुझे नहीं लगता कि यंग लोगों के साथ रेजोनेट करेगा. ये जो लोग बढ़िया सूट एंड टाई टाइप के क्लोथिंग में रहते हैं उन पे ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगेगा. बीइंग इन बाबरशॉप फ्रेग्रेंस, इसको लगाने का टाइम भी बढ़िया समर्स भी है. विंटर्स में भी चलेगा, बट समर्स में ज्यादा मजा आएगा, और समर्स के लिए बहुत ही एप्ट फ्रेग्रेंस है, बिकॉज आपको ये रेजुविनेट कर देगा. जरूरी नहीं है कि सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंस हो तभी आपको मजा आए समर्स में, कुछ इस तरह के भी जॉनर आपको अच्छे लग सकते हैं. इसकी भी प्राइसिंग कुछ 12,000-13,000 रुपए है 100 ml की. प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी, वेरी गुड फ्रेग्रेंस टू गो फॉर, हाईली सजेस्टेड. नंबर थर्ड फ्रेग्रेंस ऑफ फीचर इज कॉल्ड एज ब्लॉ द शनेल परफम. गाइस, मैं ईडीटी और ईडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ब्लॉ द शनेल परफम. मुझे ब्लॉ द शनेल परफम इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इसकी जो स्मेल है इंडिया के वेदर के हिसाब से काफी बढ़िया सस्टेन करती है. वाओ गाइस, इसमें जो ग्रेपफ्रूट का नोट है वो बहुत ही ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा ब्राइट टाइप का नहीं है, जिस हिसाब से ब्लॉ द शनेल में है. ब्लॉ द शनेल में इतना बढ़िया ऑथेंटिक ग्रेपफ्रूट का नोट है, मुझे नहीं लगता शायद से किसी भी फ्रेग्रेंस में आपको वैसा मिलेगा. इसकी जो नोट है वो बहुत ही ज्यादा डेंस है, बहुत ही ज्यादा डार्क टाइप का है. इवन दो मैं इसको समर्स के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इसको ऑल ईयर राउंड यूज कर सकते हैं. इसके हम लोग अगर नोट्स की बात करें तो इसमें आपको लेमन का नोट मिलता है, इसमें बर्गमॉट है, मिंट का यूज हुआ है, मिडिल में इन्होंने लैवेंडर का नोट रखा है, थोड़ा सा पाइनएप्पल भी यूज हुआ है, थोड़े से ग्रीन नोट्स है, और बेस में अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको सैंडलवुड का बहुत बढ़िया अकॉर्ड मिलेगा, सिडार वुड मिलेगा, आईएसओ ई सुपर का यूज किया है और टोंका बीन का यूज किया है. गाइस, आईएसओ ई सुपर एक ऐसा सिंथेटिक कंपाउंड है जो आपकी स्किन फेरोमोन से ब्लेंड होके एक बहुत ही बढ़िया वुडी मस्की टाइप की स्मेल एक्सुड करता है. मैं अपने रूम में आईएसओ ई सुपर का मेरे पास ऑयल है, मैं इसको अरोमा डिफ्यूजर लैम्प में भी डालता हूं, और उसकी जो स्मेल है इतनी बढ़िया आती है, बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव और बहुत ही ज्यादा मास अपीलिंग टाइप की स्मेल होती है. और इसमें आईएसओ ई सुपर यूज करके इन्होंने जो परफ्यूम की प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी है. बहुत ही बढ़िया ब्लू फ्रेग्रेंस
बिजनेस है और इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यंग हो तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप बहुत ज्यादा मच्योर हो या बहुत ज्यादा एजेड हो तब भी आप ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो। ब्लो द शैनल ईडीपी हो या फिर परफ्यूम हो, ये शैनल का बेस्ट सेलर फ्रेग्रेंस है और इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, 16,950 के अराउंड आता है इसका 100 ml, और 150 ml कुछ 20,000 के अराउंड आता है। महंगा जरूर है बट दिस टोटली डिजर्व्स द हाइप एंड अटेंशन बिकॉज इसकी जो स्मेल है वो मास प्लीजिंग है और सबको बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट पे 5 ml 10 ml की डिकेंट्स परचेस कर सकते हैं और उसको ट्राई करके आपको आइडिया लग जाएगा कि परफ्यूम कैसा है। अगर अच्छा लगे तो फुल बॉटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4 रिकमेंडेशन इज अ वेरी यूनिक गोमांड सेंट कॉल्ड एज शैनल एलियोर होम एडिशन ब्लॉन्च। गाइस ये फ्रेग्रेंस बेसिकली लेमन टार्ट की स्मेल है। इसमें जो लेमन का नोट है वो जरा सा भी खट्टा सा नहीं है, ये प्रॉपर जो लेमन टार्ट की जो खुशबू होती है कुछ उस तरह का फील देती है। बहुत ही ज्यादा एरोमेटिक है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है। गाइस ओपनिंग में तो आपको लेमन के साथ में स्वीट बेगोमॉट की स्मेल बहुत अच्छी आती है। इस फ्रेग्रेंस को मैंने बहुत बार वेयरिंग की है और मुझे जितनी बार भी मैंने वेयरिंग की मुझे सैंडलवुड का अकॉर्ड बहुत ही हैवी आता है, सेडारवुड की स्मेल बहुत ही ज्यादा लाउड आती है। वनीला तो इन्फ्यूज्ड है ही, फ्रेग्रेंडिका में मैंने देखा तो लोग इस पे कह रहे हैं कि इसमें वेटिवर का भी नोट है बट वेटिवर का मुझे दूर दूर तक इसमें स्मेल नहीं आता। मैं एक बार इसकी फुल वेयरिंग करना चाहता हूँ, मुझे स्मेल ये बहुत ही बढ़िया लगती है। गाइज ये फ्रेग्रेंस अपने आप में एक मैजिक है। दिस फ्रेग्रेंस इज लाइक बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। टार्टी होने के चक्कर में, जब मैं टार्टी कह रहा हूँ इसका मतलब होता है थोड़ा सा खट्टापन लेमन का, वो वनीला के साथ में इतने बढ़िया तरीके से आ रहा है कि आप इसको समर में लगाइए, विंटर्स में लगाइए, एसी में, गर्मी में, धूप में, सभी ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छे से एम्प अप होगा। मुझे लग रहा है गर्मी में आप अगर लगा के जाएंगे तो ये हो सकता है कि लेमनी नोट्स को ज्यादा एम्प अप कर दे। एसी एनवायरमेंट में बैठेंगे तो जो वनीला अकॉर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा लाउड हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा सटल है, बहुत ज्यादा ओटली स्वीट नहीं है और ये मुझे लग रहा है शायद से किसी भी ओकेजन में आप अच्छे से वेयर कर सकते हैं। मैं इस फ्रेग्रेंस को 10 out of 10 दूंगा पर्सनली बिकॉज ये फ्रेग्रेंस की जो स्मेल है वो काफी ज्यादा यूनिक है। प्राइसिंग की बात करें तो 13-14 हज़ार रुपए का 100 ml आता है विच इज अ डिसेंट प्राइस कंसिडरिंग द ब्रांड शैनल, सारे उनके आसपास की रेंज के रहते हैं। बट जो स्मेल है उसके लिए मैं इसको 11 out of 10 दूंगा। बहुत ही बढ़िया क्लासिक एग्जाम्पल है अगर आपको सिट्रसी गोमान टाइप का कोई फ्रेग्रेंस चाहिए। लास्ट फ्रेग्रेंस ऑफ फीचर इज अ वेरी यूनिक फ्रेग्रेंस विच आई पर्सनली फाइंड इट टू वेरी अट्रैक्टिव एंड दिस इज कॉल्ड शैनल पोर मॉन्सोआ। गाइस शैनल पोर मॉन्सोआ बेसिकली शीप्रा स्टाइल ऑफ परफ्यूमरी है। इसमें जो नोट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लासिक हैं, बहुत ही ज्यादा ग्रीन है, बहुत ही ज्यादा मॉसी टाइप की स्मेल है। इसमें आपको जो नोट्स हैं वो ऐसा फील कराएंगे कि बहुत ही ज्यादा डेटेड है, ग्रीन है। ग्रीन होने के साथ साथ इसमें जो नोट्स हैं वो स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा सिट्रसी अकॉर्ड्स आते हैं, मिडिल में आते आते थोड़ा सा इसमें आपको स्पाइसेस का यूज होता है जैसे कि कोरिएंडर हो गया, थोड़ा सा कार्डमम हो गया, और बेस आते आते इसमें सेडारवुड का बहुत ही हैवी अकॉर्ड आता है। इसमें आपको ओकमोस की जो स्मेल है वो काफी ही ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है और वेटिवर का नोट इस फ्रेग्रेंस में काफी ही ज्यादा है। मुझे ये पर्सनली अभी मैंने कुछ दिन पहले ट्राई किया था, मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत बढ़िया लगा था। गाइज वो मॉन्सोआ मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये सबको अच्छा लगेगा बिकॉज इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा मच्योर है, बहुत ही ज्यादा डेटेड टाइप की है। तो हो सकता है पीपल विद एन एक्वायर्ड टेस्ट वुड ओनली लव दिस। ये अगर आप सोच रहे हो कि कोई यंगस्टर है या फिर कोई बहुत ही जल्दी नए फ्रेग्रेंस हॉबी में आया है उसको ये फ्रेग्रेंस अच्छा लगे तो ऐसा नहीं है। इसकी जो स्मेल है उसका टेस्ट बनाने के लिए आपको शीप्रा स्टाइल के फ्रेग्रेंसेस ट्राई करने चाहिए जैसे कि गेरमा का मित्सुकू हो गया, रोजा दिहाग्लिव हो गया, इन सब तरह के फ्रेग्रेंसेस अगर आपको धीमे धीमे अच्छे लगने लगे तो आपको शैनल पोर मॉन्सोआ अच्छा लगेगा। इसकी मुझे थोड़ा सा क्रिस्टन डियोर के और सवाज से भी सिमिलरिटी मतलब याद दिला रही है। बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, ग्रीन है, सिट्रस तो लेडन है ही है बट इसमें वुडी वाइब्स ज्यादा है, स्वीटनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें नेरोली का नोट बहुत ही अच्छे से एम्प अप होके आता है। नेरोली बेसिकली फ्लावर होता है बिटर ऑरेंज प्लांट का और उसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी हनी टाइप, थोड़ी सी स्वीट, थोड़ी सी फ्लोरल टाइप की होती है बट अपने आप में नेरोली एज अ नोट बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है इस फ्रेग्रेंस में। इसकी लास्टिंग मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिली, ये दो फॉर्मेशन में आता है ईडीटी और ईडीपी, दोनों की लास्टिंग 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा नहीं रहती। प्रोजेक्शन भी बहुत ज्यादा लाउड नहीं है बट इसको लगाने के लिए मुझे लगता है ये विंटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये आपका प्रॉपर समर फ्रेंडली फ्रेग्रेंस है, इट इज मोर ऑफ अ फॉर्मल काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस और इसको लगाने के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी एज जो है वो अबव 40 होनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ही ज्यादा यंग पर्सन इस फ्रेग्रेंस को कैरी कर पाएगा बिकॉज इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज्यादा मच्योर है, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है और बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है एट द सेम टाइम। तो हर फ्रेग्रेंस एक पर्सनैलिटी पे जाती है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो एजेड लोग हैं उन पे ये ज्यादा फ्रेग्रेंस अच्छा लगेगा बट समर्स के लिए काफी अच्छा फ्रेग्रेंस है। प्राइसिंग इसकी भी कुछ 12-13 हज़ार पे 100 ml की। तो गाइस ये रहे टॉप 5 शैनल फ्रेग्रेंसेस व्हिच आई प्रेफर फॉर समर्स। अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक बिकॉज अब नेक्स्ट वीडियोस में और भी धमाकेदार परफ्यूम्स की बात होने वाली है। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।